तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और व्लॉग पे। ये व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है यार। देखो वैसे ये व्लॉग एक महीने पहले शूट हो गया और मैं इसे आप अपलोड कर रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा रीजन मैं नंबर एक काल से हूँ। वैसे आज हम जाने वाले दो अलग अलग जगह, ये व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज सबसे पहले हम जाने वाले तो ग्रेटेस्ट मराठा वॉरियर पेशवा बाजीराव के वहाँ पे। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। और उसके बाद रावेरखेड़ी, और उसके बाद हम जाने वाले सेकंड द अखिलेश्वर मठ। और तो आओ स्टार्ट करते हैं इन दोनों जगहों का टूर देखने के लिए, मेरे साथ साथ में एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाओ। तो आओ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। पर स्टार्ट होने से पहले मुझे बिस्लरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स भी दिखे थे गाड़ी में बहुत सारे। अरे रुक बिना मेरे स्कूटर, अबे ओके बच्चे सुधरेगा नहीं तू, बिस्लरी देना जरा देख। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। जी हाँ, आज हम आ चुके हैं रावेरखेड़ी, इस सिटी की इतनी हलचल भरी जिंदगी से दूर। तो आओ स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। और से लगभग 3 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम पहुँचे हैं रावेरखेड़ी, जो कि इंदौर से 97 किलोमीटर दूर बना है। तो गाइस हम जैसे ही अंदर गए, हमें सबसे पहले तो दिखते हैं आस पास का ये शानदार एटमोसफियर, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा था यार। और हमें सब सामने ही दिख रहे थे एक शानदार हनुमान जी का टेंपल, जो कि ये साक्षात प्रतीत करता है कि इस समाधि की रक्षा कर रहा है। हम बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहेगा। और उसके बाद हमने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो हमें दिखी वो शानदार नर्मदा नदी। जी हाँ, आपने अगर बाजीराव मस्तानी मूवी देखी तो आपको पता ही होगा कि उनके बाजीराव पेशवा के अंतिम समय के टाइम वो रावेरखेड़ी ग्राम में रुके थे, वापसी आते आते 1,00,000 सैनिकों के साथ। लियर के सिंधिया ने उन्हीं की याद में ये शानदार छतरी बनवाई है, जिसे अब वृंदावन भी कहा जाता है। तो गाइस जैसे ही हम उस शानदार ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर वाले गेट के अंदर पहुंचे, हमें गेट के अंदर जाते ही सबसे पहले दिखी वो इतनी शानदार आर्किटेक्चर वाली, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत छतरी, जिसका आउट साइड का आर्किटेक्चर देख के मुझे एक बार को लगा कि यार मैं तो उस मराठा टाइम में पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर आज भी बाजीराव पेशवा और ये सब है। और अंदर जो कलाकृति थी यार, एक बार को हम देखते देखते रह गए। उस छतरी की चारों तरफ इतनी शानदार कलाकृति बनी है, और चारों तरफ चार मोटी मोटी दीवारें, और उन दीवारों के पार नर्मदा जी। और ये सीन बाजीराव पेशवा मूवी में बताया था कि जब वो आते हैं तो मतलब ये खिलखिला ग्वालियर के सिंधियाओं ने बनवाई थी छतरी उनकी याद में, जो कि मराठा उनमें सबसे मेन ऐसी की ऐसी एक महेश्वर में भी बनी है। जैसे मराठा उन साम्राज्य में ऐसा माना जाता था कि जो भी राजा की डेथ हो जाती थी या फिर किसी की भी, तो उनकी याद में ये बनाई जाती थी, और उन्हीं के अंदर एक शिवलिंग का निर्माण किया जाता था जो कि देखने लायक होती थी यार। तो जैसे ही हम उस छतरी को साइड में देखते हैं, हमें तो मोटी मोटी दीवारें दिखती है, और उसमें 2 गेट जो ऊपर जाने के बने हुए थे। तो लेट्स गो ऑन द टॉप। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे यार, हम सबसे पहले तो देखते देखते रह गए, क्योंकि मुझे सबसे पहले जो सीन दिखा यार मेरे तो, क्योंकि पूरा खुला एरिया एकदम कॉर्नर पे बनी है छतरी, मतलब यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि जो नर्मदा जी पे उनकी अस्थि प्रवाह कर दी गई थी, और उनके नाम पे ये शिवलिंग बनाया गया था, जो कि ये जो दिख रहा है आपको छतरी पे, हाँ दरअसल ऐसा माना जाता था मराठाओं में कि जो इनके समाधि के ऊपर शिवलिंग बनाते थे तो उनको मोक्ष का रास्ता प्राप्त होता था। तो यार देख ही सकते हो चारों तरफ हरियाली से भरा ये शानदार माहौल यार, हमें तो आंखें हमारी चकाचौंध रह गई, इतने शानदार हरियाली और काफ़ी अच्छा माहौल। गवर्नमेंट ने इनके लिए फ़ंड भी निकाला है ताकि इसे और अच्छा बना सके। वैसे देखने लायक जगह है यार, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा ज़रूर आना यहाँ पे। आपको पता नहीं होगा लेकिन पेशवा बाजीराव को भी राजा बन नहीं पाए थे,
मतलब वो मराठा साम्राज्य के छत्रपति के राज्य के प्राइम मिनिस्टर थे, इट मीन प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्हें पेशवा कहा जाता था। और मतलब जितने भी उन्हें 40 भारत में और कोई राजा नहीं था यार जिन्होंने 40 की 40 लड़ाई जीते, लेकिन पेशवा बाजीराव थे। तो आओ थोड़ा फ्रंट स्क्रीन में आ जाओ। इसका जो व्यू हो रहा वो भी बहुत कैसा है, क्योंकि ये यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब अभी तो आइलैंड बीच में आ चुका, लेकिन पहले बिल्कुल कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मतलब जो व्यू लगता था लाइक ओशन। वैसे तुम लोगों ने बाजीराव पेशवा मूवी नहीं देखी तो जाके मैं सजेस्ट करूँगा, जरूर देखना। तो अब मैं अपने आप को थोड़ा शांत करा दूं, क्योंकि यार थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स और मेरे मोमेंट्स एंजॉय कर लो। अब यहाँ से बाहर चलते हैं, बहुत घूम लिया, कुछ ज़्यादा ही घूम लिए। लिटरली सब लोग शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ऊपर से भी लोग देख रहे हैं, पर अब हमको चलना है सीधे बाहर। सो लेट्स गो। अब मैं तुम लोग को जो व्यू दिखाने वाला हूँ ना, तुम लोग देख के भुखरा जाओगे एकदम, क्योंकि ये वही जगह है जो बाजीराव पेशवा में बताई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। सो दिस इज़ द व्यू गाइस। जो सामने का आइलैंड दिख रहा है आपको, पहले कुछ नहीं था यार, यहाँ से वहाँ तक नर्मदा जी का स्तर इतना ज़्यादा था कि कुछ दिखता ही नहीं था, यहाँ से पूरा फुल था ये। बहुत अच्छा लग रहा है यार आके, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी वाइब से, और जहाँ देखो वहाँ खुला शांति। तो गाइस रावेरखेड़ी का टूर खत्म हुआ था, और अब हम जाने वाले इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस पर बना अखिलेश्वर टेंपल ओखला में। ऐसा माना जाता है कि ये टेंपल तब से बना, पहले यहाँ पे आश्रम था, ऐसा कहा जाता है कि ये वही जगह यहीं से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर बैठ के रामायण का बहुत सारा हिस्सा लिखा गया था, और यहाँ पहले आश्रम था। फिर स्पेशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मंदिर में जो हनुमान जी की प्रतिमा है ना, जो और ऐसा कहा जाता है गाइस कि ये वही जगह यहाँ पहले आश्रम हुआ करता था, और ये वही जगह जहाँ खुद हनुमान जी आके रुके थे कुछ समय के लिए, जब उनने शिवलिंग लेके आ रहे थे रामेश्वरम के लिए। वो वैसे तो वो शिवलिंग भी आज रामेश्वरम के धनुषकोडी में रखा है ये, लेकिन इस प्रतिमा की स्पेशलिटी ये है कि इस प्रतिमा के एक हाथ में शिवलिंग है, जबकि ज़्यादातर प्रतिमा का आगे द्रोणागिरी पर्वत रहता है हाथ में। और उसके बाद ये जो दूसरा मंदिर दिख रहा है आपको, ये मंदिर द्वापर युग से बना हैगा, क्योंकि ये मंदिर यहाँ के जो महाराज थे उन्होंने बनवाया था। मेरे को इसकी ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली गाइस, पर मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी, जो कि आप इनके ऑफिशियल विकिपीडिया पेज पे जाके चेक कर सकते हो। सो वो जो साइड में आ दिख रहा है उसको दबा देना, ताकि आपको इनकी पूरी एक से एक डिटेल जानकारी मिल जाएगी। वैसे मेरा आना एक और बार हुआ तो मैं आपको ज़रूर पूरी एक से एक डिटेल दूंगा। वैसे हमको रात हो रही थी यार, 12:30 बज रही थी, इसलिए हम पूरा ठीक से ले नहीं पाए, अंधेरा हो रहा था। वैसे यहाँ पे इसी मंदिर के आसपास यहीं पे कहीं पे एक शिला लेख है जो कि इतना पुराना त्रेता युग का हैगा, और ऐसा कहा जाता है कि उसका वैसे पढ़ नहीं पाते क्योंकि उसकी भाषा अलग है। आओ बस क्या था यार, अब इस मंदिर में घूम फिर लिए, बाकी बहुत अच्छा माहौल है यार, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। वैसे एकदम घने जंगलों के बीचों बीच बना है ओखला गांव में, हम जंगल से होके पूरा जाते हैं तब जाके यहाँ पहुँच पाते हैं।
हमको पूरा टूर करने में बहुत टाइम लग गया। बाकी बहुत ग्रेटेस्ट जगह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा यहाँ की प्लेस की। तो आओ यार वापस इंदौर चले। यहीं तक थी यार, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कैसी लगी शेयर करो, कमेंट करो कैसी लगी वीडियो, आगे कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वैसे मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर और सारे सोशल मीडिया के लिंक्स ये यूजर नेम यहाँ देख रखे और लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रखे, तो जाके फॉलो करना मत भूलना। मैं भी चलता हूँ, मुझे इसके लेंस लगवाने भी जाना है। बाय। यह लेंस के कितने रुपये दोगे? 150 रुपया देगा। I have you now.